ये नदी देख रहे कितना एकदम पवित्र नदी है ये, इसी कारण ये मंदिर इतना ही फेमस। चाहे कोई भी मौसम हो भाई, नदी में एकदम पानी की बहाव भाई कम नहीं होता इस जगह, देख सकते हैं भाई। गाइस आज जिस जगह आए हैं भाई, ये पूर्णिया का आन बान जान शान है ये मंदिर, देख सकते हैं। ये मंदिर के बारे में आप बहुत ही सुने होंगे, लेकिन ये मंदिर इतना ही फेमस है कि आप लोग ये मंदिर के बारे में बहुत सुने होंगे। पूर्णिया का भाई हब है ये मंदिर, जिस तरह से पूर्णिया का हब है भाई हॉस्पिटल, उस तरह से ये मंदिर है पूर्णिया का हब भाई। ये मंदिर के बिना भाई पूर्णिया अधूरा अधूरा लगेगा भाई। ये सब ये मंदिर की विशेषताओं को बढ़ा देती है भाई। ये नदी बहुत ही फेमस नदी है, देख सकते हैं। जैसे कि मंदिर का जस्ट बगल से ही ये नदी गुजरती है भाई। ये नदी में तो अभी पानी बहुत ही कम है, क्योंकि अभी यार टाइम ही कैसा आप लोग जान ही रहे हैं, इस टाइम में बारिश वरिश नहीं होता, इसलिए भाई ये नदी में पानी कम है भाई। ये नदी की विशेषताएं बढ़ा देती है ये नदी, देख रहे कितना एकदम पवित्र नदी है ये, इसी कारण ये मंदिर इतना ही फेमस है। आइए मंदिर के अंदर में जाके आप लोग को अच्छा से एकदम नजारा दिखाते हैं मंदिर का। मंदिर का अंदर में एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं एकदम कैसा यहाँ पे सारा चीज का, मिठाई वगैरह का मिल जाएगा यार आपको, देख सकते हैं भाई मंदिर का एकदम खूबसूरती। अरे तू रानी मल्ला की, ये देखिए भाई शेर बना हुआ, क्या जबरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं लग रहा है ना जबरदस्त भाई एकदम बना हुआ। ये आइए नदी का तरफ लेके जा रहे हैं आपको, देख सकते हैं भाई यहाँ कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है भाई, देख सकते क्या लग रहा भाई ये मंदिर। क्या बोले भाई ये मंदिर की यार, जितनी भी तारीफ करो ना यार, ये मंदिर की तो यार कम ही पड़ जाएगी यार तारीफ करना यार ये मंदिर की। ये नदी की ऊपर से ही बहुत बड़ी ब्रिज है, देख सकते हैं कितना बड़ी ब्रिज है, क्योंकि भाई नदी भी उतनी बड़ी है ना, इसी कारण भाई इतनी बड़ी ब्रिज है, देख सकते हैं भाई। इस नदी में तो पानी की बहाव, चाहे कोई भी मौसम हो भाई, नदी में एकदम पानी की बहाव भाई कम नहीं होता इस जगह, देख सकते हैं भाई। यहाँ से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई मंदिर देखने में। ये नदी की भाई एकदम बगल में भाई बहुत सारे आदमी रहते हैं भाई फोटो वोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि भाई अभी कम है, क्योंकि भाई पूर्णिया वासियों के ऊपर भाई एकदम सूरज दादा एकदम बहुत जम के बरस रहे हैं भाई, इसी कारण आदमी कम है। चलिए मंदिर का अंदर में आप लोग को दिखाते हैं, मंदिर का अंदर में एंटर कर चुके हैं, सिर्फ खाली मंदिर का अंदर में सिर्फ खाली आप लोग नजारा देखिएगा भाई। चप्पल पहले उतार लेते हैं भाई आराम से, ये है मंदिर, मंदिर के अंदर में जितना भी है भाई आदमी सब एकदम काफी भाई जो भी है अपना काम करने के लिए आता है भाई। ये देखिए भाई काली मंदिर है, पूजा वगैरह में बलि उलि दिया जाता है भाई यहाँ पे, देखिए भाई यही है काली मंदिर, मेन काली मंदिर यही है। ये भी है भाई हनुमान मंदिर, देख सकते हैं भाई घंटी बड़ा बड़ा है लगा हुआ अपना मन्नत पूरा करने के लिए भाई, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में भाई मंदिर है, मंदिर तो सुंदर है भाई। मंदिर का अंदर में देख सकते हैं भाई ये बेल गाछ है, ये भाई मंदिर देख लिए, मंदिर का बाहर में चल रहे हैं भाई अब, क्योंकि भाई मंदिर देखे नहीं थे, पोस्टर लगा हुआ था भाई देखे, इसलिए तो भाई जितना दिखाए भाई उसके बाद देखे भाई वो पोस्टर लगा हुआ, इसलिए भाई बाहर निकलना पड़ा भाई। चप्पल पहन लेते हैं, देख सकते हैं एक शेर तो उस पर था और इस बार भी ये शेर है, देख सकते हैं दोनों शेर दोनों तरफ बना है, देखने भी शेर भाई लाजवाब लग रहा है। ये मंदिर का चारों तरफ एक बार राउंड देख लीजिए, देख सकते हैं लग रहा है। और ये जो ब्रिज बना हुआ है ये ब्रिज का ही देवाल है, देख सकते हैं भाई एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है भाई देखने में, ज्यादा निकलता है यहाँ पे आदमी नहीं है, नहीं तो आदमी भाई जम के रहता है फूल रहता आदमी। आई होप कि आप लोग ये वीडियो को पूरा देखे होंगे, ये मंदिर का खूबसूरती था भाई कैसा था आप लोग तो देख ही लिए हैं भाई, ऐसा ही वीडियो आएगा भाई। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नए नए आदमी को जोड़ते रहिए इस चैनल में, जल्दी से जल्दी इस चैनल में ज्यादा फैमिली कम्प्लीट हो जाएंगे हम लोग, तब भाई इससे भी ज्यादा सब अच्छा सब इंटरेस्टिंग सब चीज दिखाएंगे, क्योंकि भाई मुझे वर्ल्ड का भी एकदम पूरे व्यू दिखाना आप लोग को, वर्ल्ड टूर भी करके आप लोग को दिखाना है, इसलिए भाई जल्दी से जल्दी ज्यादा आदमी इस चैनल में कम्प्लीट हो जाइए।